मेरे प्यारे बच्चों, ये बद्री विशाल की मंदिर आपको दिख रही है। इतना मनोरम दृश्य, इतनी सुंदर स्थल, इतना मनोरम प्राकृतिक मनोरम दृश्य। सामने से गंगा कलकल बहती हुई, इसके ठीक ऊपर गर्म पानी का कुंड जिसका है श्री नारद कुंड महात्म्य नाम था, और नीचे से अलकनंदा नदी बह रही है। और देखो, इसी कहानी में बताऊं बद्री विशाल की, जैसा कि मैंने सुना है बद्री विशाल जो सामने मंदिर दिख रहा है, इसमें माँ लक्ष्मी और नारायण का वास है। यहाँ नारायण रहते हैं, 6 महीना बैकुंठ में और 6 महीना ये बद्री नारायण। हुआ क्या कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों श्मशान वासी हैं, कैलाश वासी हैं, पृथ्वी वासी हैं, हम सबका उद्धार करने वाले हैं। लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती तीनों सहेलियां हैं। बाबा भोलेनाथ शाम 4 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक, रात 8 बजे तक दर्शन करो, 8 बजे तक, रात 8 बजे तक घूमते हैं, भ्रमण करते हैं पृथ्वी पर, और हम सबके जो सुख दुख है उसकी सुनते हैं, उसका निवारण करते हैं। माता लक्ष्मी एक बार नारायण से बोलती हैं, भोलेनाथ अपनी पत्नी गौरा को रोज घुमाते हैं, एक आप हो नारायण कहीं नहीं ले जाते, बैंकुंठ में रख दिया कहीं नहीं ले जाते। होता यही है, हम सब भी अपने पतियों को परेशान करते हैं ना कि हमारी सहेली घूमने गई है केदारनाथ, हो गई बद्रीनाथ, हो गई गंगोत्री, हो गई यमुनोत्री, हो गई हिमाचल, हो गई नैनीताल, हो गई ओली, और जाने कहाँ कहाँ, हम कहीं नहीं जाते, मुझे भी घुमाने ले चलो। नारायण बोले चलो। देख भाई, गौरा और भोलेनाथ, उनके पास धन है नहीं, दौलत है नहीं, खजाना है नहीं, मनी मानी क्या है नहीं, कुछ भी नहीं है। और तू तो महा बैंकुट की रानी है, मणि है, माणिक है, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, तब तू बता, तू बता कैसे जाएगी। तुम तो खजाना संभालते रहती हो, कभी हीरे में ताला लगाना है, कभी सोने में ताला लगाना है, कभी गहने में ताला लगाना है, कैसे जाओगी गौर लक्ष्मी। लक्ष्मी बोली, बाबा नारायण मुझे कल ले चलना, आज छोड़ो, मैं तब तक सारा सामान समेट लूँगी। और उन्होंने खजाना वगैरह अपना ताला लगाते लगाते, लॉकर में लॉक करते करते, गहने, हीरे, मणि, माणी, सोना, चांदी, रत्न, आभूषण, शाम हो गया, रात हो गया। नारायण बोले, अब कहाँ जाओगी, रात हो गई, रात में क्या पृथ्वी में दिखाई पड़ेगा, कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, अब कुछ नहीं दिख रहा है, अब कुछ नहीं दिखेगा। लक्ष्मी बोली, कल जल्दी तैयार होते हैं। तो माँ लक्ष्मी दूसरे दिन तैयार हुई और पृथ्वी का भ्रमण करने लगी। भ्रमण करते 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 आ गई है इसी बद्रीनाथ में। यहाँ का मनोरम दृश्य को देखा, नीचे मंदा अलकनंदा को बहते हुए, सामने पहाड़, ऊपर से बर्फ, बादल उनकी सेवा करते हुए, बर्फ से लदा हुआ मुकुट भोलेनाथ का। अब कही, बाबा भोलेनाथ से ये वाली स्थान मैं लूंगी, मुझे दिलवाओ, नारायण ये जगह मुझे चाहिए, नारायण ये जगह मुझे चाहिए। नारायण बोले, पागल हो गई है क्या तू, पागल हो गई है, अरे ये भोलेनाथ का है, गौरा रानी का जगह है, वो श्मशान में रहते हैं, कैलाश में रहते हैं, तू बैंकुंठ वासी है, क्या करेगी रह करके लक्ष्मी, इसीलिए मैं मना करता हूँ, तू मानती नहीं है, दूसरे का संपत्ति नहीं लेना चाहिए, लेना पाप है, ये भोलेनाथ का स्थान है, तू मत लो। लक्ष्मी नहीं मानी, जिद कर गई, और आपको पता है नारी हट के आगे
नारायण को झुकना पड़ गया, लक्ष्मी के आगे नारायण को झुकना पड़ गया। बैंकुट में गई लक्ष्मी, भोजन पानी सब करना बंद कर दिया, कुछ न खाया न पिया, हट कर ली। मुझे वो जगह दिलवाओ नारायण, मुझे नारायण वो जगह चाहिए। कैसे दिलवाओगे ये तुम जानो। नारायण बोले चलता हूँ। तो नारायण आए यहाँ, और जो पत्थर दिख रहा है ना, शेष नाग जैसा इसका आकार है। पत्थर सामने दिख रहा है ना, शेष नाग जैसा है, नाग जैसा फैल फड़ा हुआ है और अपनी कुंडली मार के बैठा हुआ है। यहीं आकर के बैठ गए वो। छोटा सा बालक रूप धारण किया, ये नन्हा सा बालक आ रहा है ना, देख नन्हे से बालक के रूप में आकर के बैठ गया। बैठ गए और यही रोने लग गए। माता पार्वती उधर थी, आवाज आई रोने की, बोली भोलेनाथ देखो तो कोई बालक रो रहा है, उसकी माँ शायद छोड़ के चली गई है। नन्ना सा बालक की रोने की आवाज आ रही गंगा तट पर, अलकनंदा नदी के तट पर कोई बालक रो रहा है। भोलेनाथ कृपा करो, देखो तो कौन बालक है। बाबा बोले गौरा तेरा कोई काम नहीं है, कोई बालक रोता है रोने दो। माता बोली बाबा इतने कठोर आप क्यों हो, बाबा इतने निष्ठुर आप क्यों इसके हो गए। आप तो दानी हो, महादानी हो, भोला कहलाते हो, श्मशान वासी कहलाते हो, कैलाश वासी कहलाते हो, घटघट के वासी कहलाते हो। बाबा ऐसा मत करो आप, भोलेनाथ ऐसा ना करो, मैं जाके देखती हूँ। बाबा बोले, बाबा अंतर्यामी थे, बाबा को पता था कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। बाबा ने कहा लक्ष्मी गौरा तू मान जा, मान जा, कोई रोता है रोने दे। अगर किसी के बालक को लाएगी उसको अपना हक देना पड़ेगा, हिस्सा देना पड़ेगा, वो तुम्हारा बालक हो जाएगा। बालक को ऐसे नहीं ला के रखेंगे। माता बोली देना पड़ेगा हक तो देंगे बाबा, पर उसको लाती हूँ देखती हूँ। माता आई तट पर, बालक नारायण एक नन्ना सा बालक लेकर बालक रूप में बैठे हुए थे, रो रहे थे। माता उनको लिया गोद में बिठाया और लेकर के ऊपर चली गई, अपने निवास पर ले गई, खिलाया पिलाया और फिर बिठाया। शाम हुआ, बालक को कहा बेटा तू बैठ यहाँ पर, मैं घूम के आती हूँ, पृथ्वीवासी का सुख दुख देख करके आती हूँ, कौन कष्ट में है उसका निवारण करती हूँ, सुखियों को सुख देती हूँ, दुखियों का दुख निवारती हूँ, जाती हूँ तो बैठना। नारायण कमरे में बैठ गए। माता 8 बजे रात तक घूम फिर करके आई, सबका सुख दुख करके निवारण करके आई। तब क्या देखती हैं, दरवाज़ा खोला, खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, कोई आवाज़ अंदर से नहीं आया। माता बोली दरवाज़ा खोलो, कौन अंदर बैठा है। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता है। माता फिर बोलती है दरवाज़ा खोलो, अन्यथा मैं श्राप दे दूंगी, कौन अंदर बैठ गया मेरे जगह पर। दरवाज़ा खोलते तो क्या देखते हैं, लक्ष्मी और नारायण दरवाजे पर खड़े हैं। नारायण हाथ जोड़ देते हैं, लक्ष्मी हाथ जोड़ देती है, गौरा ये बहुत सुंदर जगह है, यहाँ मुझे रहने दो गौरा, ये बहुत अच्छी जगह है गौरा, यहाँ मुझे रहने दो। गौरा उनकी सहेली थी, अब सहेली कोई चीज़ मांगे तो दूसरी सहेली मना नहीं करती है, अपनी बहन बड़ी बहन छोटी बहन से मांगे तो कोई मना नहीं करता है। गौरा रानी लक्ष्मी को बोली लक्ष्मी यहाँ रहो, कोई बात नहीं हम चलते हैं आगे। गौरा रानी की आंखों से आंसू आ गया। कैलाश बाबा बोले, भोलेनाथ बोले चलो लक्ष्मी आप यहाँ रहो, नारायण आप यहाँ वास करें, गौरा रानी हम आगे चलते हैं। गौरा बोलती है नारायण आपने छल पूर्वक इस स्थान को ले लिया, कोई बात नहीं, मैंने 2 बार मन से पसंद से अपनी जगह चुनी, 1 बार मैंने सोने की लंका बनवाई उसे रावण ने ले लिया दान में, और 1 बार मैंने ये बद्री नारायण के स्थान को चुना, इस मनोरम दृश्य को चुना, इसे आपने ले लिया, अब ये धाम के रूप में बद्री नारायण के रूप में प्रसिद्ध होगा, जहाँ 6 महीने आपकी पूजा होती रहेगी, और आपके साथ साथ हमारा जो विशाल हृदय है, गौरा रानी का जो विशाल हृदय है, जो दुख को निवारती है, उस उनका वर्णन, उनकी कहानी, वह उनके महात्म्य को अलकनंदा
नदी इसकी गवाह बनती है और तीर्थयात्री आते हैं, जाते हैं, स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं, माता पूरा करती है। तो चलिए अब मैं अपनी वीडियो कहीं समाप्त करती हूँ, चलते हैं आगे। जय बद्री विशाल।